स्वागत है आपका सत्य नेशन में और देश और दुनिया के साथ राजस्थान की तमाम बड़ी खबरें। कोरोना दुनिया में अब तक 1,97,000 मौतें, दुनिया में 25% मौतें अमेरिका में, ईरान में संक्रमण के दूसरे दौर की चेतावनी। दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 28,37,463 लोग संक्रमित है, 1,97,703 की मौत हो चुकी है। इसी दौरान 8,09,232 स्वस्थ भी हुए हैं। अमेरिका में मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, दुनिया की कुल मौतों में से 25% यहां दम तोड़ा है। इसमें भी न्यूयॉर्क राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित है। वहीं ईरान के एक हेल्थ अफसर ने लॉकडाउन में ढील को खतरनाक बताया है। उनके मुताबिक इससे संक्रमण का नया दौर सामने आ सकता है। और कोरोना से देश में अब तक 25,579 केस। देश में 100 मामले आने के बाद एक दिन में संक्रमितों के बढ़ने की सबसे धीमी रफ्तार। बीते 24 घंटे में 6% की दर से नए मरीज बढ़े। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 25,579 हो गई है। शनिवार को गुजरात में 256, उत्तर प्रदेश 172, मध्य प्रदेश 99, तमिलनाडु 66, आंध्र प्रदेश में 61, पश्चिम बंगाल में 57, जम्मू कश्मीर में 40, राजस्थान में 41 संक्रमित मिले। ये आंकड़े covid19.org और राज्य सरकारों से मिली जानकारी के अनुसार है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में संक्रमितों की संख्या 24,942 है। इनमें से 18,953 का इलाज चल रहा है। राजस्थान में शनिवार को 49 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए। अजमेर में 10 साल की बच्ची समेत 8 पॉजिटिव मिले। झालावाड़ और जोधपुर में 5-5 संक्रमित। अजमेर में कोरोना यहाँ 114 में से 88 पॉजिटिव। हॉटस्पॉट बने मुस्लिम मोची मोहल्ले से 266 टीमें लगाई गई। जोधपुर शहर में मिले 6 नए पॉजिटिव। नए क्षेत्रों में कोरोना के फैलाव ने बढ़ाई प्रशासन की चिंता। कोटा में कोरोना का कहर। 28 साल के पुलिस कांस्टेबल समेत 4 लोग पॉजिटिव मिले। कुल संक्रमितों का आंकड़ा 148 पर पहुंचा। जोधपुर शहर में नए क्षेत्रों में कोरोना की दस्तक। संक्रमितों की संख्या में फिर आई तेजी। एक दिन में मिले 24 पॉजिटिव। जोधपुर एक साथ 26 जनों ने कोरोना को मात दी। अब तक 70 जने ठीक होकर पहुंच चुके हैं अपने घर। और राजस्थान पुलिस के डिप्टी अमित सिंह, डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस धर्मराज, करदनी थानाधिकारी रामकिशन बिश्नोई और चोटवाड़ा थानाधिकारी विक्रम सिंह ने सांगा मैरिज गार्डन पधारकर सेवा में जुटी टीम को प्रोत्साहित किया। इस दौरान अधिकारियों ने कहा कि मानव कल्याण के लिए किया जा रहा कार्य अविश्वसनीय अकल्पनीय है। टीम द्वारा किए जा रहे इस कार्य को सदैव याद रखा जाएगा। इस दौरान संयोजक अमित गुप्ता ने बताया कि संकट के इस समय में सब हाथ से हाथ मिलाकर आगे बढ़े और इस समाज कल्याण के कार्य में साथ दे। और उधर अशोक गहलोत ने बताया कि राजस्थान के वे सभी भाई बहन जो लॉकडाउन के चलते देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे हुए हैं, मेरी उनसे अपील है कि कृपया स्वयं धैर्य बनाए रखें। हम आप सभी को वापस लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपके सकुशल वापसी के लिए हम गृह मंत्रालय और राज्य के मुख्यमंत्रियों से लगातार संपर्क में हैं। covid-19 महामारी की लड़ाई में पूरा देश एकजुट है। भारत सरकार को भी राज्यों की गाइडलाइंस जारी करते समय वही एकरूपता दिखानी चाहिए, चाहे वहां पर किसी की भी पार्टी की सरकार हो। पहले दिन से ही मैं कह रहा हूं कि देश भर में फंसे प्रवासी श्रमिकों के सुगम आवागमन के लिए रणनीति बनाई जानी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से उसे लेकर कोई स्पष्टता नहीं है। सुनियोजित रणनीति के राज्यों के साथ एकीकृत कमांड स्ट्रक्चर के आधार पर औपचारिक संवाद की व्यवस्था करना ज्यादा लाभकारी होगा, बजाय कि गृह मंत्रालय व कैबिनेट सचिवालय के अलग अलग अधिकारियों द्वारा राज्यों से अनौपचारिक संवाद किया जाए, ताकि प्रवासी मजदूरों व छात्र की समस्याओं का व्यापक समाधान हो। सुनियोजित तरीके से भारत सरकार द्वारा आवागमन के लिए विशेष ट्रेनें भी चलाई जानी चाहिए, ताकि प्रवासियों की समस्या का समाधान हो सके। और उधर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बताया कि जयपुर ग्रामीण में 114,26,00,000 रुपए की बनेगी 215 किलोमीटर सड़कें। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद जयपुर ग्रामीण कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ के प्रयासों से जयपुर ग्रामीण में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 114,26,00,000 रुपए की लागत से 215 किलोमीटर सड़कों का निर्माण होगा। कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये कार्य जयपुर ग्रामीण के सभी भाजपा विधायक, विधानसभा प्रभारी, पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं के लिए सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। और उधर लॉकडाउन में चौमू पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पान मसाला माफिया पर कसा सिकंजा। प्रतिबंध के बावजूद धड़ल्ले से बिक रहा था पान मसाला सिगरेट। डीसीपी कावेंद्र सिंह सागर के निर्देश पर चोमू एसीपी प्रियंका कुमाउत के नेतृत्व में हुई ये कार्रवाई। चोमू थाना प्रभारी हेमराज सिंह गुज्जर, एएसआई रामशरण मीणा ने दी दबिश। चोमू थाना पुलिस ने लॉकडाउन में बड़ी कार्रवाई करते हुए पान मसाला सिगरेट बेचने वाले मामलों में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और आरोपी के पास से भारी मात्रा में पान मसाला, गुटखा, जर्दा, सिगरेट पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस उपायुक्त पश्चिम कावेंद्र सिंह सागर ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान जर्दा, गुटखा, पान मसाला पर लगे प्रतिबंध के बावजूद भी अवैध रूप से गुटखा, जर्दा, पान मसाला की चोमू कस्बे में अधिक दामों में धड़ल्ले से बिक्री हो रही थी।
और उधर सतीश पुनिया ने बताया कि केंद्रीय दल के साथ जयपुर कलेक्ट्रेट में शनिवार को भाजपा अध्यक्ष सतीश पुनिया में भाजपा के विधायकों की बैठक हुई। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया के साथ जयपुर सांसद रामचरण बोरा, विधायक कालीचरण सराफ, नरवीत सिंह राजवी, अशोक लाहोटी भी उपस्थित थे। केंद्रीय टीम के प्रदेश अध्यक्ष पुनिया का भाजपा विधायकों के साथ चर्चा की और जयपुर शहर के हालातों को लेकर भी फीडबैक लिया। केंद्रीय दल ने भाजपा विधायकों से विधानसभा क्षेत्र के अनुसार जानकारी ली, कोरोना हॉटस्पॉट स्थानों की जानकारी सहित व्यवस्थाओं को लेकर भी जानकारी ली। प्रदेश की बड़ी सौगात मिलने पर प्रदेश अध्यक्ष पुनिया ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। पुनिया ने ट्वीट किया कि आभार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने राजस्थान को PMGSY के अंतर्गत राजस्थान को 3500 करोड़ रुपए की सौगात दी है। इस बजट से 6040 किलोमीटर लंबाई की 639 सड़कों और 6 पुलों का निर्माण होगा। स्वाभाविक है प्रदेश भर के साथ जयपुर जिले और आमेर तक विकास की सौगात आएगी। और गुलाबचंद कटारिया नेता प्रतिपक्ष राजस्थान विधानसभा ने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष व वर्तमान सांसद श्री राहुल गांधी द्वारा केंद्र सरकार पर वेतन व भत्तों में की गई कटौती को अमानवीय व असंवेदनशील कहने पर उन्हें नसीहत दी कि अगर मार्च के महीने में ही श्री राहुल गांधी जी अपना यह अच्छा सुझाव श्री अशोक गहलोत की सरकार को दे देते तो राजस्थान के लाखों कर्मचारी व पेंशनरों के वेतन कटौती नहीं होती व 30% वेतन स्थगित भी नहीं करना पड़ता, जिस पीड़ा का अनुभव नहीं होता तथा 7 अप्रैल वह आगे के महीनों में राजस्थान की सरकार कर्मचारियों के वेतन व भत्तों में कटौती करने जा रही है, उस निर्णय को भी रोका जा सकता था। कटारिया ने बताया कि आदरणीय राहुल गांधी केरल के सांसद भी हैं, वहां सरकार ने 6 दिन प्रतिमाह 5 माह तक वेतन कटौती का आदेश निकाला है, उस पर भी आपका ये सुझाव कर्मचारियों के हित में हो सकता है। उन्हें आपका ये महत्वपूर्ण सुझाव न देकर केवल राजनीतिक आधार पर केंद्र सरकार पर इस प्रकार की टिप्पणी करना कतई उचित नहीं है। और बने रहिए बड़ी खबरों के लिए सत्य नेशन पर, अगली खबर लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सतर्क रहिए, स्वस्थ रहिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए और कोरोना की जंग में लगातार बने रहिए, जिससे हम कोरोना पर विजय पा सकें।